नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं जहानाबाद जिले के पुलासगंज बाज़ार में और यहाँ पे बाज़ार में पूरा भक्ति माहौल बना हुआ है। हमारे साथ दादा हैं जो इस पूजा को आयोजित करवा रहे हैं। दादा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये मतलब कि सावन से पहले आसिन कार्तिक में ऐसा होता है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे हिंदू सनातन धर्म में 4 नवरात्रि माना जाता है। अभी जो आषाढ़ की नवरात्रि चल रही है, इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इसी गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ बड़ी देवी माँ का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो यहाँ ये कितना दिन तक, मतलब कि कैसे कैसे आप लोग आयोजित करवाएं इसको? यह कार्यक्रम 5 दिनों की है, आज से प्रारंभ हो चुकी है। कलश यात्रा का कार्यक्रम सुबह हो चुकी है। कलश यात्रा के बाद यहाँ पर प्रत्येक दिन जो प्रधान यजमान हैं उनके द्वारा वेदी पूजन आदि करवाए जाएंगे। तत्पश्चात दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हवन का कार्यक्रम होगा और संध्या 4:30 बजे से 6 बजे तक देवी जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्रत्येक दिन अधिवास का कार्यक्रम होगा एवं प्रत्येक दिन आज से लेकर के 15 तारीख तक संध्या 6 बजे से 9 बजे तक माता श्री राधिका रमन जी, जो श्रीधाम बरसा में वृंदावन के पास है, वहाँ से आई है, उनका प्रवचन का कार्यक्रम होना है। आप कहाँ से हैं? प्रॉपर एड्रेस आपका क्या है? मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ। हमारी संस्था का नाम है सर्व मंगलम सनातन भागवत परिवार श्रीधाम वृंदावन। हम लोग धार्मिक प्रचार के लिए घूमते फिरते रहते हैं और हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उसी निमित्त से हम लोग हुलासगंज भी आए हुए हैं। हमारे साथ और भी 10 लोग हैं। 10 लोग और हैं, वो लोग मतलब कि आपके टीम में हैं? जी, हमारी टीम में हैं, मैं उनका अगुवा हूँ, लीडर हूँ। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, को हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस मतलब कि भक्ति माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? बिहारी भैया नाम हुआ हमारा। बिहारी भैया, सर जैसे कि यहाँ पे एकदम भक्ति का माहौल बना हुआ है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भक्ति का माहौल रहेगा ही, क्योंकि ये हमारा जो है बड़ी दुर्गा स्थान का है, प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है जिसमें माता भगवती का प्रतिमा है, जिसका 5 दिन का एक कार्यक्रम चलने वाला है और 6ठा दिन जो पूर्णाहुतों के भंडारा होगा। आज हमारा एक कलश यात्रा था, कलश यात्रा में लमसम जो है 551 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया, साथ ही साथ पूरा हमारा उल्लासन वासी और प्रखंड वासी थे यहाँ पे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो यहाँ पे एकदम भक्ति का माहौल बना हुआ है और दादा जैसे कि बताया कि यहाँ पे 5 दिनों तक प्राण भजन कीर्तन होगा, उसके बाद माता का पट खुलेगा और फिर ये मतलब कि सदा के लिए खुला रहेगा, और देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रंचू के साथ नालंदा दस्तक पुलासगंज। ध्यान देंगे, नियम यही है, संकल्प के लिए चावल लेनी चाहिए, सुपारी लेनी चाहिए, जल लेनी चाहिए, दुर्वा लेनी चाहिए और द्रव्य लेनी चाहिए। द्रव्य मतलब जानते हैं सब लोग जी, पैसा लेना चाहिए। अब पैसा लेनी चाहिए तो कितना लेना चाहिए? छोटा वाला 1 रुपये का सिक्का जो चलता ही नहीं, तो चतुर लोग वही ले लेंगे। आज से 10 साल पहले, कितना साल पहले? 10 साल पहले जब आपके पास पंडित जी लोग आते थे तो उनको आप
ग्यारह रुपया दक्षिणा देते थे, लेकिन 10 साल पहले सरसों का जो तेल का कीमत था आज भी उतना ही है कि बदल गया है। तो हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं रिक्वेस्ट करते हैं, आशा रखते हैं कि कम से कम संकल्प के लिए इतना द्रव रखना चाहिए कि बाबा जी का नाश्ता हो सके। तो कम से कम 21 रुपया जरूर रखिएगा। अब देखिए, जिनको भगवान ने दिया है वो ज्यादा रखेंगे, और भगवान ने जिसको बहुत कष्ट दिया है नहीं दिया है तो आपकी जितनी इच्छा है उतना रखिए। यहां तक कि मैं कहता हूं छोटा वाला 1 रुपये का सिक्का रख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं, फूल रख करके भी संकल्प कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ लोगों ने बताया है बाबा जी ये हुलासमत है, लोग 100 रुपया देकर के यहाँ कलश उठाते हैं, आपको भी नहला धुला देंगे। राधे राधे। से अभी अब हम लोग संकल्प की ओर जा रहे हैं, जिनके जितनी क्षमता हो उतने के साथ संकल्प करेंगे। संकल्प के संबंध में एक बात और बता दूं, जब आप परिक्रमा करने के लिए आएंगे तो परिक्रमा करने से पहले भी जो भी आपके पास पशु पुत्रम रहेगा उससे आप संकल्प करा करके घुसेंगे। बिना संकल्प कोई भी पूजा साथ में लिखा है कि बिना संकल्प का किया गया पूजा निष्फल होता है, इसलिए संकल्प जरूरी होती है। तो श्री बहुत बोल लिया, मुझे इतना बोलना नहीं था। आज कल यानी 16 तक होगा? हाँ जी, नहीं अभी सब हमारे साथ, मैं जो बोलूंगा आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। आप सब लोग भूखे हैं, ध्यान देंगे, जो द्रव आज नहीं लाए होंगे आप कल द्रव जमा कर सकते हैं। अभी केवल संकल्प कर दें, अपनी अपनी सुविधा अनुसार कल संकल्प द्रव दे सकते हैं। परिक्रमा आज से नहीं होगी, परिक्रमा कल से होगी। कलश वहां दे दीजिए, देर कर करिए, कलश वहां दीजिए, कलश वहां दीजिए कमेटी के मेंबर को, कलश वहां पे कोना पे कमेटी के मेंबर को दीजिए, उसके बाद यहां पे आइएगा। कलश लेकर ऊपर मत जाइए, कोई फायदा नहीं, इधर जाइए ना, नहीं ये कलश कहां पे है, उतरिए अपने जगह पे बैठिएगा, कोई भी अभी आएंगे नहीं, सब भाई लोग ध्यान देंगे। उसके बाद महाराज जी से खाली आशीर्वाद देंगे। अपने अपने घर जाइए, घर है जाके जहाँ जगह था वहाँ पे। भीड़ हो रही है, संतरा के बहे।
देखने विराजमान।